जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कही ये बात असम के सीएम और बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा सरमा पर फिट बैठती है। उनका मुंह खुलता है तो कुछ ऊट पटांग ही निकलता है। इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी। पीएम मोदी जी के प्रिय हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि महंगी सब्जियों के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। एक बार पहले आप भी सुन लीजिए उनका घटिया, शर्मसार और बेतुका बयान। गाँव तो सब्जी दाम कम आसे, गुटे बेसी दाम लो आसे, कुने दाम लो आसे, मियां व्यापारी बिला के यार तो दाम तो बेसी लो आसे। अपनी खराब नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार करने वाली बीजेपी को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो ऐसे ही किसी नेता से बयान दिलवा देते हैं। दरअसल ये सब जानते हैं कि विवादित बयान देना भाजपा का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना और जिम्मेदारियों से भागने का। प्याज की बढ़ती कीमतों के बारे में निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था ये सब जानते हैं। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। जब भी मोदी जी की वैश्विक मंच पर फजीहत होती है, निंदा की जाती है, नेतृत्व पर सवाल उठाए जाते हैं, तब भाजपा की पूरी टोली देश का ध्यान भटकाने में लग जाती है। प्रधानमंत्री घूमने के लिए फ्रांस गए और जाते ही फ्रांस के पार्लियामेंट में मणिपुर में 72 दिनों से हो रहे दंगों पर सवाल उठा दिए। The next debate is on India and... जब मोदी जी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला, न मणिपुर गए, यूरोपियन पार्लियामेंट की क्या हिम्मत कि मणिपुर पर बात कर ले। दरअसल हिमंता बिस्वा सरमा का ये बयान सिर्फ मोदी जी की फ्रांस में हुई किरकिरी से ध्यान भटकाना था। और दूसरी बात, हिमंता जानते हैं कि अगर भाजपा में टिके रहना है तो गंदगी और नफरत की दुकान चलती रहनी चाहिए। हिमंता बिस्वा सरमा को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि जब जब भारत को जरूरत पड़ी है तो हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर देश का साथ दिया है। लेकिन वो लोग इस बात को क्या समझेंगे जिन्होंने 52 साल तक तिरंगे को नहीं अपनाया, जिनका देश की आजादी में योगदान शून्य है।